साला डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा है यार। एक तो साला बॉस का सुनो, फिर उसके कंप्यूटर भी साला बिल्कुल उसी टाइप का है। चालू तो है कंप्यूटर यार, फैन एन सब घूम रहे हैं, लेकिन डिस्प्ले में खाली नो सिग्नल। वायर वायर भी पीछे सब लगा है मॉनिटर का। साला ढक्कन में नट भी नहीं है साला, पूरा उसी जैसे बॉस के जैसे ढक्कन टाइप का। चल तो रहे यार फैन साला। आज तो इसकी माँ का पटक नहीं है इसको। अब ढक्कन क्या लगाना, पटक नहीं है तो साला इसको। साला मूड खराब हो गया इसकी तो। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ टेक्निकल लौंडा और एक बार फिर वही एनर्जी के साथ हम लोग मिल रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखें, वैसा नहीं करना है आपको, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ क्या करना है आप लोग को। अगर आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो पटकना वटकना नहीं है, बॉस पैसा काट देगा भैया। मेरा बॉस तो अच्छा है, ठीक है। तो मैं देखिए कंप्यूटर इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ज़्यादातर जैसे कंप्यूटर हमारा ऑन है, पूरा लाइट वाइट सब जल रहा है बकायदा, डिस्प्ले में खाली नो सिग्नल, नो सिग्नल ये दिखाएगा, ठीक है, नो डिस्प्ले। तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है आपको एकदम इजीली बताऊंगा मैं। दो तीन स्टेप है उसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर आपका बताता हूँ आगे। तो कंप्यूटर मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर ऑन है मेरा, लाइट तो इसका ख़त्म है, बाकी फ़ैन मैंने उसका चल रहा है, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, यकीन नहीं है तो ये देखो, ठीक है, कंप्यूटर ऑन है पूरा, फैन वैन सब चल रहा है, पीछे केबल भी लगा हुआ है, देख लो आप लोग सबूत के लिए। और यहाँ पे मॉनिटर में देखो नो डिस्प्ले दिखा रहा है, ठीक है। तो ये नो डिस्प्ले जो दिखा रहा है तो क्या है, मेन प्रॉब्लम जो है वो रैम का रहता है ना, डिस्प्ले नहीं आता है वो। और आप लोग को एक चीज़ और कंफर्म कर लेना है कि जैसे कई लोग को डाउट रहता है कि मेरे मॉनिटर का वायर तो नहीं ख़राब है या क्या है कैसा है करके, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कंफर्म करेंगे कि हमारा जो एक्चुअल में मॉनिटर का वायर ख़राब है कि कंप्यूटर से ही प्रॉब्लम है, सीपीयू से, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो कीबोर्ड में आपका नम लॉक करके रहता है ना राइट हैंड में, इसको जैसे आप दबाएंगे दबाएंगे तो क्या है आपका ये फर्स्ट में जो लाइट रहता है वो जलेगा, ठीक है। उसको दबाएंगे बंद, उसको बार बार दबा के देखना ये लाइट आपका जल रहा है कि नहीं फर्स्ट वाला। अगर वो लाइट जलेगा इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले आउट हो रहा है, ठीक है, आपका सीपीयू ठीक है, आपके मॉनिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है जो वीजीए केबल लगता है वायर ब्लू वाला, ये वाला वायर, ये वाला, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, अगर ये कीबोर्ड में लाइट जला तो। अगर नहीं जल रहा है लाइट तो समझिए आपका प्रॉब्लम सीपीयू से। तो आपको क्या करना है सीपीयू में, मैं वो बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ कंजट नहीं करना है, बस आपको रैम निकालना है। देखिए रैम आप लोग को मैं आसानी से आप लोग को समझ आ जाएगा, इसके लिए बाहर एक मदरबोर्ड रखा हुआ हूँ, सेम ये मदरबोर्ड नीचे उसमें लगा रहता है सीपीयू के अंदर, वो मदरबोर्ड होता है, ठीक है, उसमें लगा रहता है रैम और दूसरा एक सीमॉस बैटरी। ये दोनों की वजह से मोस्टली प्रॉब्लम आता है नो डिस्प्ले का। और आजकल क्या है, देखो बारिश वारिश में नमी की वजह से वो प्रॉब्लम आते ही रहता है, बारिश में नमी की वजह से, गर्मी में धूल वूल है ना, तो सबसे ज़्यादा ये बारिश में आता है प्रॉब्लम। तो अपने क्या करना है, देखिए रैम कैसे निकालना है आप लोग को एकदम आसानी से बता रहा हूँ। देखिए ये जो लॉक रहता है इसको हम लोग ऐसे बाहर तरफ इसको खींचेंगे, रैम ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है, रैम निकलेगा। अब क्या करना है आपको, रैम को आप इरेज़र ले लेंगे जो स्कूल में यूज़ करते थे है ना, पेंसिल वाला ये रबर, उससे आपको जो गोल्डन पट्टी दिख रहा है यहाँ पे नीचे में दोनों साइड रैम का, उसको आपको ऐसे क्लीन कर लेना अच्छे से, ठीक है। उसमें क्या कार्बन वगैरह रहता है उसकी वजह से डिस्प्ले नहीं आता है, ऐसे करना है बस आपको। और फिर इसको झड़ा लेंगे उसका जो डस्ट है उसको रबर का। और ये देखिए आप लोग को क्या देखना है रैम फिट करने के टाइम, एक तरफ जो है वो देखिए बीच में कटा रहेगा, उसके बाद देखिए एक तरफ का जो एरिया है वो बड़ा है और एक तरफ का है वो छोटा है। तो वही चीज़ आप लोग को देखना है, एक तरफ छोटा है एक तरफ बड़ा रैम सॉकेट में, कि किस तरफ बड़ा वाला गैप है और किस तरफ छोटा, और बीच में ये लॉग इसका कटा हुआ था जो, ठीक है। तो इस तरफ मेरे को बड़ा दिख रहा है नीचे तरफ, तो मैं रैम को भी बड़ा वाला जो साइड है उसको नीचे तरफ कर लेता हूँ, और ये जो लॉग का बीच में जो जगह है थोड़ा सा उसमें अपने को फिट करना है और ज़ोर से दबाना है तो लॉक ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। ये देखिए ये ऑटोमेटिक ये दब जाता है, अब रैम नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर दो रैम है तो दोनों रैम आप लोग ऐसे निकाल के साफ़ कर लो, और सबसे पहले आप लोग एक रैम में ट्राई करना, एक रैम को निकाल देना, सबसे पहले एक रैम लगा के ट्राई करना। कभी कभी ऐसा होता है कि रैम, दो रैम लगाने से बोर्ड पुराना हो जाता है तो दो रैम सपोर्ट नहीं करता है,
उसकी वजह से डिस्प्ले आउट नहीं देता, ठीक है। तो ये करना है अपने को, तो चलिए फिर। और सॉरी, एक ये आपको सीमॉस बैटरी का बता देता हूँ, सीमॉस बैटरी ये है, इसके वजह से भी आपका डिस्प्ले नहीं आता। तो इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसका ये लॉक टाइप का है, उसको लॉक को हम लोग ऐसे दबा के ऐसे छोड़ देंगे ना तो निकल जाएगा, ठीक है। ये गिर गया, कहाँ भाग रहा है मेरा भाई। ये देखो, ये 3 वोल्ट का रहता है ये सीमॉस बैटरी, जो घड़ी कैलकुलेटर वगैरह में भी लगता है ये, ठीक है। तो इसका जो ये देखिए राउंड वाला ये एरिया दिख रहा है किनारे में, है ना, ये राउंड वाला, तो वहाँ पे आप लोग हल्का सा जीभ में टच करेंगे तो वो थोड़ा सा जलेगा, वो इस टाइप से देखिए, ठीक है। तो थोड़ा सा वो हल्का सा झिनझिनाहट टाइप का होगा वो, ठीक। अगर वैसा हुआ तो आपका ये सीमॉस बैटरी ठीक है, और नहीं तो फिर आपको नया लेना होगा। ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक शॉप वगैरह मिल जाता है, मोबाइल शॉप वगैरह में, सीमॉस बैटरी बोलते हैं इसको, ठीक है, सीमॉस लिथियम बैटरी, 5-10 रुपये का आता है, तो इसको ले लेंगे। अब इसको अगर ठीक रहेगा आपका ये चार्ज रहेगा इसमें, तो आपको क्या करना है, जो नीचे जो पट्टी दिख रहा है ये जहाँ पे बैटरी लगता है, उसको हमको ऐसे बैटरी से ही घिस लेना है एक बार, ठीक है, घिस लेना है और उसको नॉर्मल दबा के ऐसे लगा देना है अपने को, ठीक है। ये दोनों चीज़ करने से आपका डिस्प्ले 99% आ जाएगा। अगर नहीं आया तो वो प्रॉब्लम हो सकता है प्रोसेसर का है, मदरबोर्ड का हो सकता है, वो ज़्यादा डीपली थोड़ा माइनर फॉल्ट हो जाता है वो, ठीक है। तो उसका भी मैं वीडियो बनाया हुआ, वो भी देख सकते हो आप लोग क्या कैसा है। तो अभी फ़िलहाल तो अपन ये लग गया, इसको साइड कर देते हैं, और जो मेन प्रॉब्लम है इसमें सिस्टम में, इस पर हम लोग आते हैं थोड़ा सा। मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा उजाला कर देता हूँ, हेल्प हो जाएगा आप लोग को। अब देखो चकाचक हो गया। चलिए तो देखिए, ये जो रैम है इसका, मैं ये रैम इसका निकालता हूँ ये। अब इसका जो गोल्डन वाला जो पट्टी नीचे का रैम का, इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। आपके पास इरेजर रबर वगैरह नहीं है तो जैसे आप लोग ऑफिस में आपका ये A4 साइज का पेपर होगा, इसको लेना है आपको थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा में, इसको 2-3 बार मोड़ लेना है। ध्यान रखना जो प्लेन रहेगा बिना प्रिंटिंग वाला, उसमें ही आप लोग क्लीन करिए ना, क्या है प्रिंटिंग वाले में करेंगे तो जो उसमें कार्बन जमा रहता है प्रिंट वाला पाउडर, वो इसमें बैठ जाएगा तो और दिक्कत होगा। प्लेन वाला देखिए पूरा वाइट है, इसमें हम लोग ऐसे लेंगे और ये ऐसे घिस देंगे नीचे। ऐसा भी कर सकते हैं या आप लोग कपड़ा वगैरह भी यूज़ कर सकते हो साफ़ वाला, ठीक है। इसको झड़ा लेंगे, इसका जो डस्ट है उसको, अब वापस वहाँ पर हम लोग फिट कर देंगे। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम इसी का ही रहता है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, रैम को निकाल तो लेते हैं, क्लीन भी कर लेते हैं, लेकिन फिट नहीं कर पाते अच्छे से। तो जैसे मैं आप लोग को बताया हूँ अभी कैसे फ़िट करना है, वैसे आप लोग को एकदम सावधानी से करना है, नहीं तो फिर क्या, रैम अच्छे से अगर फिटिंग नहीं हुआ रहेगा तो फिर आपका मदरबोर्ड जो है, रैम सॉकेट जिसमें रैम लग रहा है, वो भी शॉर्ट होने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो चलिए फिट हो गया ये बाकायदा, अब इसको हम लोग पावर केबल लगाते हैं। तो नो डिस्प्ले ख़त्म, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, 100%। चलो ठीक है, अगर चालू हो गया तो लाइक, ठीक है, मिठाई नहीं मांग रहा हूँ, लाइक ही करना। चलो पावर ऑन करते हैं, 1 2 3 गेट रेडी टू स्टार्ट। टडंग, पावर ऑन हो गया। अब डिस्प्ले पे देखिए आप लोग, डिस्प्ले आ गया है तो मिठाई बनता है बॉस मेरा। तो ये जेब्रोनिक लिखा रहा है इसके मदरबोर्ड का कंपनी, और ये देखिए यहाँ पे विंडो स्टार्ट विंडो नॉर्मली में करना है, अगर ऐसा कभी भी ऑप्शन आता है तो स्टार्ट विंडो नॉर्मली में कीबोर्ड से नीचे करेंगे, है ना, यहाँ से नीचे करेंगे ऑप्शन एरो दबा के, और फिर यहाँ पे जो दिख रहा है आपको स्टार्ट विंडो नॉर्मली, उसमें इंटर मार देना। आपका विंडो ऑन हो गया, डिस्प्ले आ गया है, एंटर्ड। एंड चलो लाइक करो, फॉलो करोगे आपका आपका